गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर, जो कि एक विषय है, ऑप्शनल है, उसकी सिलेबस के बारे में हम देखने जाएंगे। ठीक है, कि अपना जैसे बीए फर्स्ट ईयर के अंदर नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अनुसार हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने और क्या क्या उसके रूल्स है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे एक एक कर। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, क्योंकि ये होता है कि हम जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका एक पूरा मैप, ये कहते हैं ना, एक कच्चा मैप हमारे पास होना चाहिए कि हमें किस किस चीज़ों पे, कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, ताकि हम उस मंजिल तक आसान से पहुँच सकें। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक सिलेबस देखेंगे कि हमारे जो बीए फर्स्ट ईयर है, जेएनयू का जो बीए फर्स्ट ईयर प्रोग्राम है, उसके अंदर हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, क्या बातें नई जुड़ी हैं, क्या बातें पुरानी हैं, वो सारी चीज़ हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस किसका, बीए पार्ट वन का। एक एक करके हम हर क्लास, जैसे बीए सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, सबका सिलेबस में यहाँ पे डिस्कस आने वाली क्लासों में करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, अब हमारी क्या हुआ है कि न्यू एजुकेशन शिक्षा पॉलिसी लागू हो गई है, तो उसके अंदर जो सेमेस्टर सिस्टम वो लागू किया गया, कि साल में क्या होगा, दो एग्ज़ाम होगी। पहले क्या होता था, एक एग्ज़ाम होती थी जिसको हम ईयरली एग्ज़ाम कहते थे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नई सेमेस्टर जो हमारी सिस्टम है, नया एजुकेशन पॉलिसी में जो नया सिस्टम है, उसके अनुसार हमारे सिलेबस के अंदर कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी बुक्स पहले पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, व्हाट वी हैव टू रीड इन द फर्स्ट सेमेस्टर, हमारा पहला सेमेस्टर है उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है वो देखेंगे। ठीक है, और हमारी जो एग्ज़ाम डेट होगी, जो हमारी फाइनल एग्ज़ाम होंगे, उसकी जो डेट होगी वो है नवंबर दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम ओवरऑल इन वन ईयर देयर आर टू सेमेस्टर ओवरऑल वन ईयर। पहले क्या होता था कि एक साल में एक एग्ज़ाम होता था और हमें पूरा सिलेबस क्या करना था, साल में ही पूरा कंप्लीट करना होता था और हम पढ़ते थे। ठीक है, हाँ, उसमें कहीं ये भी होता था कि बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, सही से एजुकेशन आखिरी समय में एक महीना पढ़ के एग्ज़ाम देते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपने एजुकेशन के अंदर हम दूरियाँ आ जाती थी। ठीक है, कि हमने जो पढ़ाया वो भूल गए थे ऐसे नहीं। तो अब क्या होगा, पहले छः महीने पढ़ो आधा सिलेबस, फिर छः महीने वापस पढ़ो और एग्ज़ाम दो। ठीक है, जिससे क्या होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एवरी सब्जेक्ट इन द सेमेस्टर हैज़ टोटल 100 नंबर्स। अब जैसे हमारा इंग्लिश लिटरेचर है, हर विषय के अंदर 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट के अंदर, हमारे इंग्लिश के अंदर, लिटरेचर के अंदर 100 नंबर का पेपर होगा, जो कि डिवाइडेड है कितना, 70+30 का। अब 70+30 का क्या सिस्टम, पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी है। अभी क्या, देखो, वी लुक 30 नंबर्स वॉज डिवाइडेड। अब जो 30 नंबर थे वो हम, जो हमारे इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारी केपी कॉलेज है, इसके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप 30 नंबर किस तरह से बच्चे को दोगे। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कुछ क्राइटेरिया रखा है उन्होंने, कुछ नियम्स हैं, वो क्या है, कोई रूल्स हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या करना है, आपको दो टेस्ट देने पड़ेंगे। कितने टेस्ट देने पड़ेंगे, दो टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके पहले आपको कम से कम दो टेस्ट देने, कितने टेस्ट देने, दो टेस्ट देने। फिर दो टेस्ट देने के बाद आपका क्या होगा, एक सेशनल वर्क होगा। क्या होगा, सेशनल वर्क होगा। सेशनल वर्क मतलब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो आपको लिख के हमारे पास चेक करवा दें। ठीक है, और उसी के साथ 75% अटेंडेंस और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिला के जो हमारा एक टेस्ट होगा वो 15 नंबर का होगा। कितना होगा, 15। ऐसे ही करके 15-15 करके दो टेस्ट होंगे, दोनों टेस्टों के अंदर ये सारे रूल्स होंगे, और ऐसे करके जो 30 नंबर हैं वो हम 30 में से यहाँ से आपको देंगे। ठीक है, और आपको 70 नंबर का जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ से आपको 70 नंबर गेन करने। ठीक है, फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्या चीज़ें नई होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू ऐसा माना जाता है कि हमारे इंग्लिश के अंदर जो पुराना सिलेबस था उसमें ये था कि पार्ट वन, दो पेपर होते थे, पार्ट वन एंड टू। पार्ट वन के अंदर हमारा प्रोज हुआ करता था, जिसमें हम गद्य पढ़ते थे, स्टोरीज पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, पार्ट वन के अंदर पोएम पढ़ना है, जो कि लास्ट टाइम से क्या हो गया, पूरा उल्टा हो गया। क्योंकि सेकेंड पार्ट में हमारा क्या था, पहले पोएम था, अभी हमें पहले क्या पढ़नी है, पोएम्स पढ़नी है। कुछ पोएम जोड़ दी गई है, कुछ पोएम को छोड़ दिया गया है, कुछ नई पोएम है जो कि इंडियन लिटरेचर के ऊपर है, जो कि एंग्लो इंडियंस जो हमारे राइटर्स थे उनकी कम से कम 8 पोएम इस सिलेबस के अंदर नई जोड़ दी गई है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। देखेंगे अभी पार्ट वन पोएम्स अकॉर्डिंग टू हमारा सेमेस्टर वन, ठीक है। आगे का जो सेमेस्टर होगा उसका और नया सिलेबस हम आगे तैयार करेंगे, ठीक है, अगले वाले वीडियो में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पोएम, सबसे पहले 5 यूनिट होगी, 5 यूनिट्स देयर आर इन योर सिलेबस। सबसे पहले क्या है, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, जो कि पता है हमारे इंग्लिश के अंदर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो माना जाता है कि पूरा पेपर ही क्या है, अधूरा, क्योंकि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हमारे हर एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। फिर यूनिट टू, यूनिट टू के अंदर क्या होगा, हमारी 4 पोएम होगी। कौन सी पोएम होगी, 4 पोएम होगी। कौन सी है, ए वेडिंग सॉन्ग बाय स्पेंसर। वेडिंग सॉन्ग एक शादी का गाना है, किसका शादी का, खुद स्पेंसर महोदय का, ठीक है। स्पेंसर साहब खुद यहाँ पे शादी के दूल्हे बने हुए हैं और उनकी पूरी शादी का वर्णन इस पोएम के अंदर हमें देखने को मिलेगा। फिर सेकंड क्या है, टू इज लव रिमेम्बरेंस बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, जो कि कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माने जाते हैं, उनकी एक पोएम है, क्या नाम है, टू इज लव रिमेम्बरेंस। इसके अंदर जो इनके मित्र हैं WH, उनकी यादों के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर कौन सी है, थर्ड कौन सी है, माई लेडी इन लव चैरियट बाय बेन जॉनसन। माई लेडी इन लव चैरियट, माई लेडी इन लव चैरियट, चैरियट का मतलब एक रथ है, प्रेम का रथ है, जिसके अंदर एक महिला बैठी है, तो इसी का पूरा वर्णन यहाँ पे कौन करते हैं, बेन जॉनसन, तीसरे नंबर पोएम है। फिर हमारी पोएम है द गुड मैरो बाय जॉन डन। जॉन डन बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी पोएट थे, इनके समकालीन थे, तो ये भी एक बहुत अच्छी पोएम है। तो ऐसे करके हमारी जो 4 पोएम है ये यूनिट नंबर 2 में हमें देखने को मिले, ठीक है। फिर हम चलेंगे यूनिट नंबर 3 की ओर, वहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहली हमारी पोएम आएगी द गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का एक तोहफा। किसने लिखा है, हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई ये हमारी एक खूबसूरत पोएम है, जिसके अंदर भगवान क्या करते हैं, लोगों को एक आशीर्वाद के रूप में गिफ्ट देते हैं, ठीक है। फिर है हमारी पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन। मिल्टन साहब की ये सबसे बड़ी पोएम, आप माना जाता है कि जब मिल्टन अंधे हो गए थे उसके बाद ये जो इनकी पोएम थी, क्या थी नाम, पैराडाइज लॉस्ट, ये बहुत ही पब्लिश हुई थी और बहुत फेमस हुए थे इसके बाद। फिर है हमारा ओड टू इवनिंग बाय कॉलिंस। ओड आ गया, माना जाता है कि जब इंग्लिश के अंदर अगर ओड नहीं है तो हमारे इंग्लिश का सिलेबस अधूरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ओड टू इवनिंग्स बाय कॉलिंस है। फिर आ गई एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। एलिजी है, एक शोक गीत आ गया यहाँ पे हमारे, ठीक है। फिर हमारी क्या है, ये जैसे 8 पोएम हमारी हो गई 2 यूनिट के अंदर, इसी के अंदर से आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आएगा और इसी के अंदर से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और ये सारे जो पोइट्स हैं हमारे, ये हमारे कौन सी है, ब्रिटिश लिटरेचर के पोइट है, ब्रिटिश लिटरेचर की पोएम है, जो हमें हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़नी है, ठीक है। फिर हम चलेंगे इंडो एंग्लियन। इंडो एंग्लियन मतलब क्या होता है कि किसी की माँ भारतीय थी या किसी के पिता भारतीय थे, इस तरह से जो बाहर जाके रहने लग गए, NRI बन गए, तो उनकी जो पोएम थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है हेनरी एल डिजीरियो। हेनरी एल डिजीरियो एक बहुत बड़े लेखक थे, जिनकी पोएम है हार्प ऑफ इंडिया। क्या नाम है, हार्प ऑफ इंडिया। फिर हमें देखने को मिलता है हेवन ऑफ हैप्पीनेस। हेवन ऑफ हैप्पीनेस ये किसने लिखी, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे यहाँ के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं। कहते हैं ना कि ये हमारे यहाँ की कह सकते हैं कि अपन धड़कन है, इंडिया की जान कह सकते हैं इसको, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर आज चलते हैं बंगाल सेलर और विलेज सॉन्ग।
भाई सरोजनी नायडू, इन्हें जलीकुटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये केरल की सबसे फेमस पोइटिक थे, सबसे फेमस लेखिका थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी वहाँ की जो डोमेस्टिक परेशानियाँ थी लोगों के सामने लाने की कोशिश की। भाई बंगाल सेलर और विलेज सॉन्ग ऐसी छोटी मोटी और भी उनकी बहुत कविताएं जहाँ पे हर लोगों की परेशानी हमें पोएम के माध्यम से देखने को मिलेगी। फिर है प्रोल्यू। प्रोल्यू किसने बनाई? निज़ामत जंग बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं जिसने प्रोल्यू लिखी। इसी तरह हमारा चार पोएम का जो एक कॉम्बिनेशन होता है यूनिट 4 के अंदर हमारे डाल दिया गया है। फिर हम चलेंगे किंग पोरस ए लेजेंड ऑफ पास्ट बाय माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त की एक सबसे बड़ी पोएम है किंग पोरस। किंग पोरस जिस तरह से अशोका हमारे इंडिया के अंदर फेमस है, उसी तरह किंग पोरस उस जमाने में इंग्लैंड ब्रिटेन के वहाँ का सबसे बड़ा राजा माना जाता था। ठीक है, फिर है कैन इट बी, ये किसकी है? मनमोहन सिंह घोष की। ठीक है, मनमोहन घोष करके ये बहुत बड़े लेखक थे जिनकी पोएम है कैन इट बी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी एक 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 पोएम को हम अपने आने वाली क्लास के अंदर देखते चलेंगे। ठीक है, अब हमारी आखिरी जो दो पोएम थी वो कौन सी थी? द टाइगर एंड द डियर सर अरविंदो। सर अरविंदो भी हमारे यहाँ के सबसे बड़े पोइट या लेखक माने जाते हैं। ठीक है, और लास्ट पोएम है हमारी अगेन बाय मंजेर एस ईश्वरन। ईश्वरन के द्वारा लिखी गई ये हमारी आखिरी पोएम है अगेन। क्या करो? अगेन। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो 16 पोएम का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर चार यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया, चार चार पोएम हमें अलग से पढ़नी है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, एक एक करके हमारे पूरे सिलेबस को हम कवर करते चलेंगे। हमारे आने वाली जितने भी वीडियो होंगे एक एक करके हम चलेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर इन सब की भी क्लासें लेके आऊँगा आपकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा और हमारे KP कॉलेज के ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो आने वाली हमारी नई वीडियो है वो आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।